जय श्री कृष्णा। एज ए टैलेंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बिस्किट केक। इसके लिए मैंने हैप्पी हैप्पी बिस्किट के ये दो पैकेट लिए हैं। अभी इनको एक बाउल में निकालेंगे। और इस तरह से इसको चूरा करेंगे। इनको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अभी इनको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। अभी एक जार लेंगे और इसको पीस लेती हूँ। ये मैंने बारीक पीस लिया है इसका और पाउडर बना लिया है। लेकिन अभी इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। इसमें मैंने 2.5 चम्मच डाली है। मिक्स करेंगे। और ये 1/2 गिलास दूध लिया है। ज़रूरत के हिसाब से दूध डालेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। दूध एक साथ मत डालें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से दूध डालते जाइए। इसको ज़्यादा फेंटे नहीं, हल्के हल्के हाथ से कहीं इसको घुमाना है। ये थोड़ा दूध डालेंगे। इसको ऐसे एक ही दिशा में घुमाते हुए हल्के हल्के हाथ से ऐसे मिक्स करें। इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। बस इसको इतना ही करना है। देखिए, मैंने 1/2 गिलास दूध लिया था, उसमें से इतना दूध बच गया है। अभी इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। ये रेस्ट हो गया हमारा। लेकिन अभी इसमें ये टूटी फ्रूटी डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। और अभी गैस पे एक कढ़ाई रखी है, मैं केक कढ़ाई में बना रही हूँ। गैस ऑन कर दी है और अभी एक स्टैंड रखेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, तब तक हम एक केक टिन लेंगे। और इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे और अच्छे से ग्रीस करेंगे सब जगह।
अभी थोड़ा सूखा मैदा लेंगे और ऐसे डस्ट करेंगे। और फिर इसको इस तरह से हिलाते हुए सब चारों तरफ से डस्ट करेंगे। इससे हमारा केक नीचे से चिपकेगा नहीं, और जो एक्स्ट्रा मैदा रहेगा उसको ऐसे ढका देंगे। लेंगे और इसमें इनो डालेंगे। और इसको हल्के हल्के हाथ से एक ही तरफ ऐसे कट आउट करते हुए मिक्स करेंगे। और उधर हमारी कढ़ाई भी गर्म हो रही है, एकदम हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है। देखिए इस तरह से कट आउट करते हुए इसमें से बबल्स आने चाहिए, ये फूल जाएगा। देखिए अभी इसको केक टिन में ट्रांसफर करेंगे। अभी इसको ऐसे हिलाते हुए इसको सेट करेंगे। अभी इसको डायरेक्ट कढ़ाई में रखेंगे, गैस मीडियम है ना, और इसको ऐसे कवर करेंगे। एक बार गैस को मीडियम रखेंगे और फिर स्लो करेंगे और फिर 15-20 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। हमारे केक को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, अभी चेक करते हैं। इसके लिए एक नाइफ लेंगे। देखिए केक पक के रेडी हो गया। अगर नाइफ क्लीन आए तो इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से पक गया है। अभी गैस को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये हमारा केक ठंडा हो गया है, अभी इसको इस मोल्ड में से निकालेंगे। इसके लिए चाकू लेंगे और पहले किनारे से ऐसे करेंगे जिससे जींस निकल जाए। अभी एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और इसको उल्टा करें। और थोड़ा सा ऐसे इसको ऐसे दबाएंगे जिससे ये जिसे निकल जाए। देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। अभी इसको सीधा करेंगे। देखिए ये किधर भी टूट भी नहीं रहा है, बहुत अच्छे से बनके तैयार हुआ है। अभी इसको डेकोरेट करेंगे। ये घर के ही सामान से बहुत ही जल्दी बनता है, इसके लिए घर के ही सामान से डेकोरेट कर रही हूँ। इसके लिए इसमें शुगर ली है मैंने पीसी हुई, और इसे डेकोरेट करेंगे। आप उसमें कोई भी अपना मन चाहे आकार से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसको आप बीच में से काट के, दो पीस काट के आप क्रीम वगैरह भी लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसको खाली घर के सामान से डेकोरेट कर रही हूँ। और ये थोड़े बच्चों के खाने के लिए वही कैंडीज रहती हैं,
और केक में भी लगाते हैं वो सब इस पे थोड़े डाल रही हूँ जिससे ये थोड़ा सुंदर दिखे। देखिए हमारा केक कितना सुंदर लग रहा है ना। ये बहुत ही जल्दी तैयार होता है, आप भी बनाइए खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।